देश में कोरोना का खतरा अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जो आंकड़े आ रहे हैं उसने डराना फिर से शुरू कर दिया है। क्या दिल्ली, क्या गुजरात, क्या राजस्थान, क्या महाराष्ट्र, हर जगह पर सख्ती फिर से की जा रही है, क्योंकि अभी तक कोरोना खत्म नहीं हुआ है। एक तो कोरोना खत्म नहीं हुआ, ऊपर से अभी तक वैक्सीन नहीं है, और फिर प्रदूषण। ये तीन चीजें जो हैं अभी तक हालात में है, और इसीलिए जो है सख्ती भी बढ़ाई जा रही है ताकि कोरोना से भारत में नुकसान ना हो, कोरोना भारत में कुछ भी ना कर पाए, किसी भी व्यक्ति का कुछ बिगाड़ ना पाए। कोरोना के जो आंकड़े हैं वो फिर से डराने लगे हैं, और एक तरह से कह सकते हैं कि कोरोना फिर से कंट्रोल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए सड़कों पर अब सख्ती वाले दिन लौटने लगे हैं। क्या कुछ है वो नियम, वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आंकड़ों की बात करते हैं कि क्या है मौजूदा हालात, कितने आंकड़े अभी हैं कोरोना के, 24 घंटे में कितने केस आए, कितनी मौतें हुई 24 घंटे में, ये आपको हम सबसे पहले बताते हैं। कुल केस की संख्या की बात करें तो 90 लाख के पार है, और 24 घंटे में नए मामले आए हैं 45,882। 24 घंटे में मौतों की बात करें तो 584 मौतें हुई है। तो ये तो बात हुई कोरोना के आंकड़ों की, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जिन्हें लेकर गफलत की स्थिति बनी हुई है। चर्चाएं हैं कि यहां पर लॉकडाउन को फिर से लागू किया जाना है, बहुत सारी चर्चाएं हैं। कुछ कह रहे हैं बाजार बंद होगा, तो वो पहले राज्य कौन कौन से हैं जिसे लेकर कंफ्यूजन है, हम आपको ये बताते हैं। इसमें है दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो ये इलाके हैं जहां पर चर्चाएं बहुत तेजी से है कि लॉकडाउन लगा दिया जाएगा या बाजारों को बंद कर दिया जाएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दिल्ली से। दिल्ली में क्या आलम है? दिल्ली को लेकर ये भी कहा गया कि जो प्रमुख बाजार हैं उन्हें बंद करेंगे, जो वीकली बाजार लगते हैं उन्हें बंद करेंगे, और साथ ही साथ एक तरह से मिनी लॉकडाउन की चीजें थी कि दिल्ली में मिनी लॉकडाउन होगा, लेकिन पूरी तरह से दिल्ली बंद नहीं होगी। लेकिन फैसला अब कुछ और लिया गया है। खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने यह साफ कर दिया है कि दिल्ली में अभी बाजारों को बंद नहीं किया जाएगा, यानी कि जो स्थिति बनी हुई है वो अभी भी जारी रहेगी। लेकिन इसी बीच आपको हम बता दें, मास्क न लगाने पर दिल्ली में जुर्माने की राशि को बढ़ा दिया गया है, और साथ ही साथ अगर बात करें सोशल डिस्टेंसिंग का, अगर पालन नहीं होता है तो भी 2,000 रुपए का चालान होगा, और सार्वजनिक जगह पर अगर थूकता हुआ कोई पाया गया उस पर भी जुर्माना है, और साथ ही साथ अगर सार्वजनिक जगह पर धूम्रपान, गुटखा, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है तो भी जुर्माना लगेगा। तो अब बारी आती है गुजरात की। गुजरात में क्या सीन है? क्या गुजरात में लॉकडाउन लगने वाला है, क्योंकि गुजरात में केसेस सामने आए हैं? गुजरात में कहां पर क्या कुछ फैसला लिया गया है हम आपको बताते हैं। वैसे एक राहत वाली खबर यह है कि गुजरात में अभी लॉकडाउन लगाने का फैसला नहीं लिया गया है। अहमदाबाद में आज रात 9 बजे से सोमवार सुबह तक कर्फ्यू जारी है, और साथ ही साथ वडोदरा में कल रात 9 बजे से अगले आदेश तक सुबह के 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, यानी कि नाइट कर्फ्यू। यही स्थिति सूरत में भी रहेगी, और राजकोट के लिए भी ऐसा ही फैसला लिया गया है। दिल्ली, गुजरात के बाद बारी आती है राजस्थान की। याद होगा जब कोरोना पीक पर था उस समय राजस्थान के कुछ इलाके से डरावनी खबरें आ रही थी, ऐसी खबरें आ रही थी जिससे ऐसा लग रहा था कि राजस्थान के कुछ इलाके कोरोना के हॉटस्पॉट बने हुए हैं। खैर, अभी राजस्थान में केसेस आने शुरू हुए हैं, केसेस अभी प्रॉपर तरीके से खत्म नहीं हुए हैं, और इसी वजह से एहतियातन कुछ सख्ती की जा रही है राजस्थान सरकार की ओर से। राजस्थान सरकार ने क्या फैसला लिया है हम आपको ये बताते हैं। राजस्थान में धारा 144 लागू करने का फैसला लिया गया है। सभी जिलाधिकारियों को 21 नवंबर से धारा 144 लगाने की सलाह दी गई है, यानी कि स्थिति ऐसी होगी, वो ये डिपेंड करता है जिलाधिकारियों पे कि वो अपने जिला पे क्या धारा 144 लागू करते हैं। अगर धारा 144 लागू हो तो फिर वहां पर 4 से ज्यादा लोग एक साथ खड़े नहीं हो पाएंगे। और अब बात करते हैं हम महाराष्ट्र की। वैसे महाराष्ट्र में भी कोरोना के जो आंकड़े थे वो बहुत डरा रहे थे, मौत के आंकड़े यहाँ पर भयावह हो गए थे, लेकिन अब जो है महाराष्ट्र ने कहीं ना कहीं सख्ती कर करके और बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर करके कुछ ना कुछ राहत पाई है, लेकिन सख्ती खत्म नहीं हुई है। महाराष्ट्र को लेकर अब चर्चाएं चल रही है कि वहां पर दिल्ली से आने वाली ट्रेनें और फ्लाइट जो होंगी उस पर सख्ती लगा दी जा सकती है। क्या है फैसला ये हम बताते हैं। दिल्ली और मुंबई के बीच जो ट्रेन सेवा है उस पर रोक लगाने का विचार संभव है, और दिल्ली से मुंबई के बीच जो फ्लाइट सेवा है उस पर भी बंद होने की उसे भी बंद करने की संभावना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि
दिल्ली में केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, और आपको याद होगा कि दिल्ली में केसेस बढ़े हैं उसी के बाद जाकर नोएडा प्रशासन ने यह फैसला लिया कि जो भी दिल्ली से नोएडा की ओर आ रहा है उनका कोरोना टेस्ट होगा। हरियाणा में भी कुछ ऐसा फैसला लिया गया है, फरीदाबाद बॉर्डर को लेकर अगर हम बात करें तो वहां भी ऐसा ही फैसला लिया गया है कि रैंडम टेस्ट बॉर्डर पर होगा जो भी लोग दिल्ली से आएंगे। तो चलिए, ये बात हो गई महाराष्ट्र की दिल्ली से जुड़ी हुई। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। चर्चाएं बहुत थी कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान लगाएंगे संपूर्ण लॉकडाउन, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने कर दिया है साफ कि नहीं लगेगा अभी कोई लॉकडाउन, क्योंकि अभी इसकी जरूरत नहीं है, हालात कंट्रोल में है, हालात कहीं जो मॉनिटरिंग हो रही है वो प्रॉपर तरीके से हो रही है, और अगर लगता है कि कोरोना काल में अब लॉकडाउन लगाने की जरूरत है तब लगाएंगे, लेकिन अभी कुछ फैसला लिया गया है। वो फैसला क्या है हम आपको ये बताते हैं। इंदौर में 21 नवंबर से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू होगा। यही चीज भोपाल के लिए भी लागू की गई है, और साथ ही साथ ग्वालियर के लिए भी यही फैसला लिया गया है। विदिशा और रतलाम ये दो जिले भी हैं जहां के लिए ये फैसला लिया गया है, यानी 21 नवंबर रात 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। तो ये है देश का हाल। बहुत सारे उठ रहे थे सवाल कि क्या लॉकडाउन लगने वाला है, लेकिन लॉकडाउन को लेकर स्थिति हो गई है बिल्कुल क्लियर। अभी तक कहीं भी लॉकडाउन लगाने का फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं तो लॉकडाउन लग सकता है। इसलिए हालात को कंट्रोल करना जरूरी है, उसमें सिर्फ और सिर्फ सरकार की, पुलिस की, डॉक्टर्स की जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी है आपकी, हमारी, यानी कि आम नागरिकों की। क्योंकि अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, अगर प्रॉपर जो चीज़ें जो गाइडलाइंस है उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना को हम हराएंगे। और इंतज़ार करिए तब तक जब तक वैक्सीन नहीं आती, वैक्सीन के बाद हो सकता है थोड़ी राहत मिले, लेकिन फिलहाल सावधानी बरतनी है, सावधानियों से छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, नियमों का उल्लंघन ना हो, क्योंकि ये लड़ाई सबकी है।